निकलते हैं हम, खा लेता हूँ अभी मैं तो, हम निकलते हैं 15-20 मिनट अच्छा ठीक है, बाइक से? में। गाड़ी चलते यार, बाइक ठंड लगेगी यार। अच्छा, पिछली बार तो मुझे अंधा सुना दिया था बंदे ने अभी तो अभी भाई कि मैंने ट्रैफिक गाड़ी में। देखी नहीं 10 साल से। मैंने कहा ठीक है फिर चल गाड़ी निकाल लियो। भाई तू निकालना यार, स्विफ्ट में बैठेंगे मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा अबे तेरी गाड़ी चलती ही नहीं है ना, अब चलेगी इस बहाने थोड़ा सा यार। भाई अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल। वो वैल्यू कम आती गाड़ी की, चले ना तो समझा कर। अबे भाई बहुत टाइम से इको में भी तो नहीं बैठा ना यार मैं, क्या भाई त्यागी का भी फोन आ रहा है, क्या करूं। हाँ करूँ, आ गया वापस वो? मैंने उसे कल बताया था कि हम 11 बजे जिम जाने की सोच रहे हैं। अबे ठीक है बुला लो उसे भी। तेरी भाई तेरी हीट थी ना उससे। कहाँ से हीट थी भाई, मेरे तो अच्छे खासे बात हुई है वहां पे। सच्ची चल ठीक है भाई, उसका फोन आ बात रहा है, मैं बोल उठा रहा रहा हूँ, उसे हूँ भी बोल रहा हूँ 15-20 मिनट का। ठीक है उसे। कोई एक गाड़ी ले आओ तुम तीनों में से, तुम दोनों में से। भाई, तू निकालेगा गाड़ी? वो तो देख निकालने सरा, अच्छा देख मैं अभी बता दूँ, वो नहीं निकालेगा ठीक है। और तेको ये भी बता दूँ कि मैं नहीं निकालूंगा, तो तू बचा भाई। अच्छा चल मैं भी तेरे को एक चीज बताता हूँ, अबे नहीं नहीं मैं नहीं भी नहीं अबे निकाल ले यार इतना, निकालूंगा। भाई ये फालतू की अकड़ मत दिखाते, बता रहा हूँ। चल ठीक है निकाल दूंगा, अगर आगे भी गाड़ी खड़ी नहीं हुई बैंड में खड़ी। ठीक है। हेलो हाँ छोटे भाई, भाई, जिम का क्या स्कीम है? भाई निकल रहा हूँ 15 मिनट में, पंद्रह रेडी। नहीं 20 मिनट रुको, भाग दे, मैं सुबह सुबह निक्की बुलेन चला गया था क्या यहाँ पे। करने दे? हकना है मुझे, बस एक बार बिना आगे निक्की बुलेन चला गया था। अच्छा तेरे को मैं 4 बजे हाँ फोन करूँ तेरे को तब भागना होता है, 8 बजे करूँ तब भागना होता है, कितनी बार हकता है दिन में? अबे भाई सो सुबह की पॉटी तो करनी होती है ना, सुबह 8 बजे उठा, 8 बजे उठ के निक्की बुलेन चला, तो क्या करूंगा पॉटी भी ना करूं मैं। ये भी बढ़िया है भाई, ये भी बढ़िया है। चल ठीक है भाई, म्यूसली खा रहा हूँ थोड़े से दूध के साथ और एक केला। दिस इज प्रॉब्ली द टू थिंग्स जो मैं सबसे जल्दी रेडी करके खा सकता हूँ। केले में तो क्या रेडी भी कुछ नहीं करना। और गाइस उड़ती उड़ती खबर आई है कि भाई मेरे एक दोस्त को कोविड हो गया फॉर द सेकेंड टाइम, और उसको वैक्सीन भी लग चुकी थी। तो भाई गलत सीन, उससे मैं मिला तो था थोड़े टाइम पहले, तो थोड़ी सी फट रही है, बट नहीं यार मुझे होना होता ना तो अब तक पता लग जाता, मेरे को नहीं है थैंकफुली। आरबी डिजिटल, वो ब्रो, मैं टाइम से वहां खड़ा हूँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे भाई? हाँ तो वहाँ खड़ा है, गाड़ी वहाँ लेके आए, नाला देखियो एक बार अपना, एक बार थोड़ा नाली का काम चल रहा है वहाँ पे। यहाँ से अगर मैं तुझे दिखाता ना कि तू कैसे आ रहा है, कैसे लगते आ रहा है, शादी व पार्टियों के नहीं होते जो फोटोग्राफर, आरबी डिजिटल स्टूडियो, वो लग रहा है तू अभी कसम से, बैठ जा अंदर शांति से, वो अच्छा उसका बोल रहा नाम है ना हूँ। आरवी स्टूडियो। हाँ सौरभ भाई भाई पहली सुन, बात अच्छा सुन रुक जा, मेरे ना 8 तारीख को हुआ है वीजा अपॉइंटमेंट, एक यूएस के पास यूएस साइज फोटो चाहिए मुझे, 5 बनवा के दे देगा? गाइस अकाउंट व्लॉगर्स, में 500 रुपए में 10। गाइस मैं आपको एक बात बोलूंगा, पूरी व्लॉगिंग कम्युनिटी और पूरी वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट किया गया है यहाँ पर। तो अगर आप इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो भाई क्या ठीक डिसरिस्पेक्ट है, तो भाई, बता प्लीज मेरे को। मेरे को कमेंट्स में हेट चाहिए सौरभ के लिए, जस्ट बिकॉज मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है हाथ में, नहीं पता जस्ट बिकॉज मैंने क्या, कैमरा पकड़ा हुआ हाथ मैं में बहुत लोगों की तो मुझे रिस्पेक्ट करता हूँ डिसरिस्पेक्ट कर रहा। ये और मैं किसी की फॉलो भी रिस्पेक्ट करता नहीं, हूँ। कर अबे रहा मैंने जी, सीन सौरभ किया, सौरभ मैं चाहता आया था। था 10:30 बजे से यहाँ बैठा हूँ, ये हाँ बंदा 11:30 आ रहा है, एक घंटे बंदे तो इतना साढ़े परेशान दस कर से तो दिया यहाँ है मैं कि गाड़ी बैठा है। गाड़ी में बैठा हूँ पूछ इससे, और हाँ गाड़ी से पूछू तो 11 बजे आग रहा था। पूरी कम्युनिटी का नाम इसने भाई मेरे आराम से बोलो, दिमाग में इज्जत भर से बोलो। दिमाग खराब करवा रहा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं अबे भाई। ये देखो सौरभ अब अब चाहता है कि सौरभ बाहर पैसे दे, अच्छा तेरे को दे देगा, नहीं, हाँ निकाल मैं दे कर 10 फोटो, देख मैंने मजाक सेट आपको के मैं कर दिखाई दे दूंगा, कोई, मजाक सेट के मैं कर बात दूंगा, क्या है, लेकिन बात तू क्या है, नहीं मेरी नहीं मेरे को ट्रोल कर रहा है ट्रॉल कि नहीं कर मैं रहा, कैमरा यूज करता हूँ बात एक तरीके से, ठीक है? वो तो ठीक कैमरा यूज है करता नहीं, कह रहे शादियों वाले भैया। शादी एवं पार्टी बोला, सिर्फ शादी वाले शादी में रुक जाता ना, मैं नहीं बोलता तो एवं मैंने तेरे को पार्टी, जिसने सपोर्ट बोला कर है रहा ना ना, एवं पार्टी नहीं बोला चाहिए तेरे तुझे मैंने सपोर्ट कर रहा हूँ को। तुझे तो मैं वो भाई इसको यार चलेगा बता तो दो कक्षा में यार, ऊपर से कैमरा पकड़ते हुए आ रहा है भाई क्या दिक्कत है, लेग डे है भाई आज लेग गैस डे, बहुत चलो जगी भाई पड़ गई, चलो जगी पड़ गई, चलो चलते हैं, लेग डे वही टाइट कपड़े पहन के आए वैसे भी। तेरा भी सही है त्यागी भाई। गाइज सबसे बड़ा फायदा हमारा इस टाइम पे आने का ये हो गया कि भाई जिम देखोगे ऑलमोस्ट पूरा खाली है, टोटल जिम में अभी 15 बंदे होंगे मैक्स। एंड भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि अब से मैं इसी टाइम पे आऊँगा, क्योंकि थोड़ा खाली जिम इज़ अ पैराडाइज फॉर मी, क्योंकि भाई अपने को थोड़ा शूट करना पड़ता है। और आज हम लोग कर रहे हैं लेग डोमिनेंट वर्कआउट, और मेरे वर्कआउट यूजली लाइक फुल बॉडी टाइप्स होते हैं, और उसका रीज़न क्या है अभी मैं आगे पूरा वीडियो में बताता हूँ। बट स्टार्टिंग विद स्क्वाट्स, त्यागी यहाँ पे 100 किलो कर रहा है, मैं भी अभी करूँगा अपना वर्किंग सेट पहला, कितना वेट करूंगा मुझे भी नहीं पता, विल ट्राई 120 या 130। और गाइस जैसा कि सौरभ की टी शर्ट में भी लिखा है स्ट्रेट आउट ऑफ नी इंजरी, नी सर्जरी, सॉरी सॉरी नी सर्जरी, और सौरभ को ACL सर्जरी हुई भी है, कितना टाइम हो गया?
ढाई साल हो गए, पेन फ्री हो चुका है, लेकिन अभी स्क्वाट वगैरह में सौरभ को उतना कंफर्ट नहीं आया जो पहले था। पूरा पेन फ्री हुआ, मतलब खेलने मिलने के बाद इन्फ्लेमेशन रहती है क्योंकि पैटेलर टेंडन। हाँ, लोगों समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा ऑडियंस से, क्या कैसी नहीं, अच्छी नहीं है भाई। त्यागी भी ऑडियंस समझ आया, त्यागी भी समझ नहीं आया ऑडियंस को भाई, ऐसे अंडरएस्टिमेट मत किया कर ब्रो, ये क्या बात है। वैसे तो तू बोल रहा है कि मैं डिस कर रहा हूँ ब्लॉगर कम्युनिटी को, ये वो ये वो। गाइस ऑडियंस के साथ हूँ, ऑडियंस के साथ रहो भाई। इस वीडियो में हेट दिखना चाहिए मुझे, मोहित के लिए कमेंट्स करो, हेट नीचे दिखना चाहिए मुझे। बढ़िया है, वाला अच्छा लगा। अच्छा, पहले वाली बात का कमबैक जितने दिया ना, पहले वाली बात की नहीं भाई, पहले वाले में भी मैं किसी को डिस नहीं करता। हां, कोई डिस नहीं करता, फ्रेंडशिप है पूरी कम्युनिटी को, तो डिस किया पूरी कम्युनिटी को। दंगे होने चाहिए मेरे घर के नीचे, लोग आ जाओ, दंगे होने चाहिए, इसको मारेंगे साले को मिलते हैं। इसके घर के नीचे आके मुझे क्यों मारोगे, मैं तो अपने घर पे होगा भाई, बगल वाली गली में रहता है भाई। लेट्स गो सौरभ, बढ़िया। गाइस आप ऐश देख सकते हो, अबे कर ले मजाक नहीं, ओए मजाक नहीं, सत्या की मजाक नहीं कैसे, ओए मजाक नहीं, सीरियसली कर, सौरभ 3-2-1 स्टार्ट है। बिल्कुल ही कैंडिड इंटरव्यू है, मुझे एक्सपेक्टेड में नहीं था कि ये होने वाला। सडनली मोहित ने मुझसे पूछा कि ये लोअर कहाँ से लिया। सौरभ को भाई ये लोअर इसने कल से पहनना शुरू करा है। मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया, बाकी मैं पहले दिखा देता हूँ। ये लोअर है, ठीक है, थोड़ा ऐश दिखा, ऐश देख सकते हो आप, ठीक है। हाँ, आप रिव्यू तो मतलब मैं तो ऐसे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया था, मैंने ब्रांड में देखा था और अनएक्सपेक्टेडली तो बहुत अच्छा निकला, मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। देख सकते हो तो लोअर, वैसे जोक से बात काफ़ी सही है, मैं बाहर भी मतलब लोअर वोअर पहनता हूँ, ब्रांडेड नहीं पहनता था, वैसे नहीं है बट पहनता हूँ। पर उनमें ना ये इशू रहता है जिम में कि या तो उतनी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती, अगर स्ट्रेचेबिलिटी होती तो उतनी ब्रीदेबिलिटी नहीं होती, और स्ट्रेचेबिलिटी होती भी है तो फिर वो बहुत खुले होते हैं, एस्थेटिक नहीं लगते हैं। दूसरी चीज़ जो होता है ना, इनसीम लेंथ जो है इसकी काफ़ी सही है, इनसीम लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की। हाँ, उनकी ना डिस्प्रोपोर्शनेट होती है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ, तो वो स्ट्रेच होगा भी तो फटने का सीन रहता है, तो इसमें ये चीज़ सही है कि एकदम सही इनसीम लेंथ, काफ़ी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक तरीके से कह सकते हैं प्रोडक्ट काफ़ी सही है भाई। तू एथलेटिक क्यों कर रहा है, उसको बोलने दे। और मतलब थोड़ा सा सही वो भी है, एकदम चिपका हुआ नहीं है, तो मतलब तुम नॉर्मली डे टू डे वेयर में मुझे तो लगता है मैं तो पहन सकता हूँ, ठीक है। तो इसको परचेज करना है आपको, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, फटाफट से परचेज करो, बहुत आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छे दाम पे आपको मिलेगा। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यूज सौरभ 30, सौरभ 30 आप यूज कर सकते हो, कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्रोडक्ट, 500 रुपये बढ़ जाएंगे और। हाँ, इसको बढ़ जाए 500 रुपये और आपको पे करने पड़ेंगे, तो बाकी बने रहे मोहित चैनल, और फिर मेरे घर के नीचे आके मोहित को मारेंगे। ये बढ़िया, लॉकडाउन से पहले ये मेरा वार्म अप सेट होता था, स्ट्रेंथ यहाँ से यहाँ आ चुकी है, बट विल वर्क फॉर इट, 160 तक जाना है क्योंकि वहाँ पे वेट छोड़ा था मैंने लॉकडाउन से पहले, कम से कम 2 महीने की मेहनत हो लगेगी, और सौरभ के जाते जाते 160 किलो स्क्वाट मार के जाऊँगा, ठीक है भाई सौरभ। बिल्कुल बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। लेग गेंस चेक करेंगे, ठीक है, बताना कैसा लग रहा है, ठीक है, कैसा लग रहा है। और गाइस अभी हम लेग प्रेस पे मूव ऑन कर रहे हैं आफ्टर स्क्वाट्स, और मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़े मिक्स वर्कआउट टाइप करता हूं, ठीक है, तो एज अ व्यूअर वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन मैं अपना अंडरलाइन कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि हम कैसे ट्रेन करते हैं, ठीक है। बेसिक आइडिया इज़ हर बॉडी पार्ट मैं हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूं, अब उसको 2 बार करने के चक्कर में आप जैसे मर्जी डिवाइड करो, पुश पुल लेग कर लो तो उसमें भी 2 बार ट्रेन होता है हर बॉडी पार्ट, या तो थोड़ा मिक्स बॉडी पार्ट कर लो, ठीक है, उसमें भी आप ऐसे वीकली डिस्ट्रीब्यूट करो अपनी एक्सरसाइजेज कि भाई सारा बॉडी पार्ट 2 बार ट्रेन हो जाए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 15-20 या 22 सेट्स मैं हर बॉडी पार्ट का वीकली करता हूँ, और उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर द वीक वो आपकी समझ है, आपके एक्सपीरियंस आता है आपको, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे करता हूँ क्योंकि इस वे में ट्रेन करने में मुझे मज़ा आता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ चेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, चेस्ट कर रहे हैं उसके बाद बाइसेप कर रहे हैं, उसके बाद ट्राइसेप कर रहे हैं, थोड़े शोल्डर कर लिए, तो मज़ा आता है, एक्साइटमेंट रहती है, सो दैट्स वाई आई ट्रेन दिस वे। अगर आपको भी मेरी तरह ट्रेन करना है तो बता देना, मैं स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक आपको पूरे हफ्ते का वर्कआउट प्लान दूंगा,
PDF भी दे दूंगा और वीडियो में भी दिखा दूंगा, ताकि आप लोग भी मेरे साथ को फॉलो कर सको और ट्रांसफॉर्म कर सको। दाढ़ी लोगों ने लास्ट वीडियो में बोला कि मत कटवाना, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। सौरभ भाई दाढ़ी का दाढ़ी का है भाई, मुझे व्यूअर्स ने बोला कटवाना। दाढ़ी की बात हो रही है सौरभ लाइक। नेक्स्ट लेवल आया, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने इतना खाली जिम देखा होगा। ठीक है, शाम को बाय बाय जितने भी लोग मेरे दोस्त लोग मेरी वीडियो देखते हैं, शाम को जिम आते हैं मुझसे मिलते हैं काफ़ी, ठीक है, अपने फैन फॉलोइंग है थोड़ी सी तो लड़कों में यूजली, तो वो लोग मेरे से सुबह मिल सकते हैं। मतलब लड़कों में ही बोलना चाहूँगा। हाँ लड़कों में ही है कह सकते हैं। एक लड़की को जो वो देखती है शायद वीडियो ना, कौन वो एक नहीं वो वाली तेरे बारे में पूछ रही थी मेरे बारे में आगे बढ़ गया। और गाइस एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि जिम करते हो ना तो तीन का ग्रुप ना बेस्ट होता है, दो में थोड़ी सा बोरिंग हो जाता है क्योंकि अगर सामने वाला बंदा ढंग से वर्कआउट नहीं करता तो आपका भी खराब हो जाता है, लेकिन तीन में ना कुछ खराब नहीं होता क्योंकि एक खराब कर रहा है तो दूसरा वाला तो फिर मतलब मूड में होगा। तो अभी थोड़े टाइम पहले मैं त्यागी और बसरा होते थे, अब बसरा चला गया तो मैं त्यागी और सौरभ है, बट फिर सौरभ दो महीने में चले जाएगा तो हमें तीसरा बंदा ढूंढना है, ठीक है मेरे को त्यागी को। तो पोजिशन ओपन है, कॉन्टैक्ट आप मुझे कर सकते हो DM पे। इंटर एक चीज़ करा होती है टाइम बातचीत होती है ना, फिर बातचीत तो नहीं पड़ती है, लाइफ कुछ खाने पीने जाएंगे, ठीक है। सौरभ आया तो भाई थोड़ा उसे खिलाना पिलाना भी होता है, ठीक है। माइक गिर गया और मैं आपको बता दूं कि सौरभ का पूरा टेक केयर मुझे करना होता है जब भी वो इंडिया आता है, ठीक है, ले जाना खाने पीने जिम लाना सब कुछ। बाहर देखा नहीं कभी, ठीक है ठीक है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं कभी US आया, रहना खाना पीना घूमना सब सौरभ करेगा, क्योंकि इंडिया में सारा टेक केयर मैं कर रहा हूँ, सारा टेक केयर कर रहा है। गाड़ी मेरी है बाय द वे, इसी गाड़ी मैं इसको ले जा रहा हूँ अभी मैकडी। देखो गाड़ी इसकी इसलिए क्योंकि दो साल इसके घर में गाड़ी ना सिर्फ यही चलाता था, तो अभी दो साल से गाड़ी चली नहीं है, तो मैंने कहा तेरी गाड़ी में चलते थोड़ी ड्राइविंग हो जाएगी। यहाँ पे मेरे को लगा बंदा एटलीस्ट जिम में तो डिस्काउंट दिलाएगा, वे जिम में भी महंगा डिस्काउंट दिलाया, कितने दिए तूने? 4500 दिए ना तूने? पूरे 50 रुपए का डिस्काउंट दिलाया, 500 रुपए का डिस्काउंट दिलाया, 500 रुपए डिस्काउंट दे रहा है, चलती है भाई अपनी। बाकी वन लाइफ है गाइस। सौरभ भाई ये माफी चाहिए यार, ये वो है ना तेरा जो नेक्स्ट टी शर्ट है उसका फैब्रिक बड़ी चेक कर वाली। सौरभ भाई एक मैं जेन्युइन चीज़ से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, देखो कितने साल हो गए US में? US में 5 साल हो गए अप्रॉक्स, 4-5 years, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, ठीक है। तो तूने वो जो एक्सेंट होता है वो अडॉप्ट करा है? कई जगह करना पड़ता है, उन लोगों को समझ नहीं आता अगर एक्सेंट में ना बोलो तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एच को एच बोलते हैं वो, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट टाइम मैकडी गया, अगर देखो यहाँ पे बोलना है कैन आई हैव अ मैकालू बर्गर, कैसे बोलेगा? कैन आई हैव मैकालू? तो ऐसे बोलते हैं वहाँ पे? वो लोग बोलते हैं, मतलब अगर तेरे को सुन ले, हाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं फर्स्ट डे मैकडी गया वहाँ पर, ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे एक ऑब्वियसली हिंदी में बोला, कैन आई हैव मैक चिकन? तो जो लेडी थी उनका थोड़ा ब्लैक एक्सेंट था, तो ब्लैक एक्सेंट थोड़ा बहुत अलग होता है नॉर्मल से, तो कह रही वो सब मम्मी ये नहीं, अरे यू आर मैकडी क्या 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 एग्जैक्टली, मैं भी ऐसे क्या क्या कह रहे डोर मैं गर्मी मैंने कहा क्या मैं 5 मिनट तक तो राइट लेफ्ट देखता रहा, मैंने कहा हाँ तो जो बन रहा कर दो, सडनली करी अगर वो दैट विल बी $10, मैंने कहा सडनली $100 कह दो, तेरे को रिलेट हो पता क्या कह रही थी, कहती डू यू वांट टू मेक इट अ मील, डोर मैं गर्मी उनको समझ नहीं आता अगर तुम कई बार अपना एक्सेंट या तो तुम बहुत क्लियरली बोलो क्रिस, तुम्हें लगता है तुम क्रिस बोल रहे हो फॉर एग्जांपल, और उनको ये समझ नहीं आ रहा है उनके उसमें ऐसे कि फॉर एग्जांपल, और ये चीज मैं देखा था कि एक जगह इंडियन एक्सेंट का मजाक उड़ रहा था
बाहर यूएस में किसी इंटरव्यू में कहते हैं थैंक यू कम अगेन हाँ तो बट इंडिया के डिफेंस में बंदे ने बोला कि इंडियन जो एक्सेंट है इंग्लिश में दैट इज द मोस्ट क्लियर एक्सेंट वर्ड सबसे क्लियरली बोले जाते हैं तो ये तो एक्चुअली में समझ आ जाना चाहिए ना क्योंकि वर्ड का आदत नहीं है वो सुनने की अच्छा फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे शब्द है वो उनको समझ नहीं आता जैसे अभी बोला मतलब मतलब मैं ऐसे कहूँ अगर एक बार समराइज करना तो कि वो होती है हम सही बोल रहे हैं होती है वो है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव अ सिचुएशन हियर ठीक है सबको समझ आ रहा है क्लियरली उनको समझ नहीं आ रहा वो सिचुएशन ये तो मतलब वही छोटी छोटी बातें हैं एक्सेंट वाली तो उन्होंने कभी सुनी नहीं समझ नहीं कुछ वर्ड्स को मतलब खींच के बोल देते हैं खींच के इधर उधर एच को एच जेड को जी पर वो ठीक है बट सी बी जी बाइक सुनने में अच्छा लग रहा है सी बी जेड क्या है ये भी सही बात है गौरव भाई बहुत बढ़िया चलो भाई ये पकवान वगैरह आ चुके हैं ठीक है सौरभ का बड़ा मन था मैकडी खाने का तो सौरभ को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ मंगवाया यहाँ पे चिकन रैप है मैकालू टिक्की है मैकालू टिक्की तो इंडिया स्पेसिफिक है तो ये तो इंडिया को जाते खाता ही है और भी नहीं कुछ भी वहाँ पे नहीं मिलता वहाँ पे अलग नहीं है बर्गर वर्गर भी दिन भर आलू खाते हैं और वहाँ आलू टिक्की नहीं होती आलू टिक्की इंडिया की वो है ना भाई वे आलू टिक्की क्यों नहीं बनाते वो पता उनका रीज़न ही है क्योंकि ना उनके यहाँ बर्गर का मतलब ये है कि बीफ जनरली उनका तो वो कुछ भी अगर वेज में भी बनाते हैं तो दे ट्राई टू रेप्लीकेट बीफ तो इसलिए वो बीन्स वगैरह डालते हैं ताकि वो उसका जो च्यूइनेस और वो है वो बीफ से रेप्लीकेट वो गधे है वो और भाई मैं आपको एक बार बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि वीकेंड पे हम बाहर जाएं इसलिए मैं अभी आज थर्सडे है ना वेंसडे आज थर्सडे तो भाई आज थर्सडे मैं अभी से अपना भाई वीकली डाइट जो है ख़राब नहीं करना चाहता क्योंकि सौरभ जब भी आता है ना साला वेट बढ़ा के जाता है तो भाई आज मैं सिर्फ मैक एग खा रहा हूँ ठीक है एक अंडा होता है ना इसमें खा रहा हूँ रहता है ना आइडिया तो ये खा रहा हूँ ताकि भाई वीकेंड पे दबा के फेल सकूँ प्लान आउट पूरा कर लिया है कि भाई जो भी चीज़ें हैं जो सौरभ US में मिस कर रहा था इंडियन फूड में वो सारा हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट कुछ वीक्स में ठीक है अगले हफ्ते बहुत ही फेमस कुलचे वाला ना नान कुलचे अमृतसरी कुलचे खाने जाएंगे ठीक है मज़ा आने वाला है नेक्स्ट लेवल ठीक है ऑब्वियसली ब्लॉग में भी आएगा तो भाई स्टे ट्यून रहे और अगर आप भी डाइट कर रहे थे इस दौरान तो भूल जाओ क्योंकि जब मैं दिखाऊंगा तो आपको लालच आएगा भूल चुका हूं भाई ठीक है तो हमारा वेट बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा ठीक है गाली फिर सब मिलकर सौरभ को देंगे अपना तो कर लिया कट बाद में हम रह जाएंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ सोचता हूँ ठीक है डिप्रेस हो जाता हूँ शेयर नहीं करना चाहता लेकिन आज मौका है तो शेयर कर रहा हूँ कि मेरी वीडियोस में आई एम ग्रेटफुल कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वीडियोस में आते हैं आप लोग पसंद करते हो बट फिर लोग ऐसे ना कॉमेंट करते हैं जब निक्की आता है तो भाई हम तेरी वीडियो निक्की वैसे देख रहे हैं निक्की नहीं होगा तो हम नहीं देखेंगे सौरभ आता है तो भाई सौरभ की वैसे देख रहे हैं फिर नहीं देखेंगे त्यागी आता है तो त्यागी के लिए तो नहीं बोलते इतना ठीक है तो यार थोड़ा सा बुरा लगता है यार मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या मैं कुछ आपको एंटरटेन नहीं करता क्या मैं कुछ मेहनत नहीं करता क्या इस पर म्यूजिक लगा दियो क्या इतना बुरा हाँ ऐसा कुछ है तू मैं माँ क्या मतलब कैसे करूँ सौरभ भाई बता ठीक है मैं क्या करूँ भाई सौरभ ने बोला मेरे को भाई सौरभ ने मुझे ये बात ना मैंने जवाब था मैंने जवाब था भाई भाई इतना हरामी बंदा है मैंने इसको ना ये बात ऑफ कैमरा बोली तो इसने कहा भाई ये ऑन कैमरा बोल फिर मैंने इसका मस्त रिप्लाई दूं मस्त रिप्लाई दूंगा तो रिप्लाई दीजिए भाई बड़ा हरामी है भाई मैं नहीं बताता हूं अबे सीन ऐसा कि कॉमेडी नाइट शोज कपिल देखते हो ना तुम हां तो उसमें ना सब लोग ऐसे कहते थे कि यार गुत्थी नहीं आ रहा हम तो गुत्थी के लिए देखते हैं या वो दूसरा नहीं आ रहा चीकू कीकू उसके लिए देखते हैं बट भाई मेन जो ग्लू है ना जो बांध नहीं रखता जिसका शो है वो कपिल है उसके बिना सबने ट्राई किया बट भाई कोई चला नहीं तो ये मान के चल कि लोग भाई तेरी वजह से ही है जो है कपिल है दो भाई इसका ये बात है भाई ये बात मुझे वैसे पता थी बट मैं किसी और के मुंह से सुनना चाहता था भाई मैं ही हूँ जो हूँ ठीक है पार दूंगा ऐसा नहीं यार अच्छा यार काफी लोग पता है क्या मेरे को ऐसे बोलते हैं कि भाई जेन्युइन कमेंट्स लोगों ने करे हुए हैं कि भाई लोग कहते हैं कि यार हमारे ना फ्रेंड्स नहीं है वो कह रहे तेरे वीडियोस में फ्रेंडशिप देख के ना हमें ऐसा लगता है मेरे भी फ्रेंड्स हैं इसलिए काफी लोग ना तुम्हें मिले होंगे या मिलते हैं तो बहुत कैजुअली मिलते हैं भाई मैं क्या बताऊं ऐसे मिलते हैं कि भाई ये तू अपना दोस्त है मेरे से कैसे मिलते हो मैं थोड़ा हैरान रहता भाई पहली बार मिल रहा हूं देख के उसके बाद बताया था ना शायद अच्छा नहीं हाँ तो क्या हुआ था क्रिसमस का टाइम था मैं गया था न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर टाइम स्क्वायर में जो है वहाँ पे क्रिसमस पे इतनी भीड़ होती है भीड़ और ये कोविड से जस्ट पहले की बात ठीक है अरे क्या तो भाई मैं ना चल रहा ग्रुप में हम दो तीन लोग थे एकदम से कोई आया पीछे कंधे पे मारता ऐसे करके भाई कौन है देखा आप सौरभ हो ना
हाँ मैं हूँ तो सही आपको कहते मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, मेरे को तो मैं बुरा लगा यार मैं नहीं करता कहता मैंने आपको मोहित बिस्किट में देखा, मैंने कहा कि यार थैंक्स, और इसके बाद थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस हो गया फिर मैं क्या करूँ किस करूँगा मैंने कहा यार नहीं, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार इतनी भीड़ में उस बंदे ने पहचान लिया, और वो भी मतलब मोहित की वीडियो मतलब कहाँ कहाँ तक मतलब देख रहे हैं और कितनी इज्जत से देख रहे हैं, ढंग के सब्सक्राइबर्स हैं वो है, तो मतलब मैंने एक इस स्पेस में डिजिटल स्पेस में एक थोड़ा सा इंपैक्ट बनाया ऐसा मैं कह सकता हूं। हां बिल्कुल 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 बनाया। तू हंस क्यों रहा साले भाई मतलब मैं उधर जाता हूं यहां पे तू पार्क कर दो अंदर, चल भाई त्यागी आउट है, त्यागी आउट है भाई, चलो भाई चले आ भाई। ओके भाई त्यागी ठीक है, एक महीने बाद मिलते हैं, चलो इस महीने का जिम हो गया तेरा, नेक्स्ट मंथ आगे बढ़ा लो भाई, क्यों जाम कर रहे हो रोहित भाई ने जो फोन मंगवाया वो दिखा दो, तो ये है फोन, दिस इज पिक्सल 6 और ये इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो ये यूएस से मंगवाया है, यू कैन सी ऐसा दिखता है भाई ये जो भी है, ठीक है अपने को एंड्रॉइड फोन का पता नहीं होता भाई, हम तो एप्पल यूजर हैं, बट द फोन लुक्स सही लग रहा है, बड़ा है थोड़ा बट सही है। और गाइस मेरे हिसाब से इफ यू आर बाइंग अ फोन वर्थ मोर देन 50,000 तो भाई इंडिया से खरीदना इन मोस्ट केसेस मेरे हिसाब से ठीक है इट्स अ बेवकूफ़ी, क्योंकि यू कैन एक्चुअली गेट इट फ्रॉम USA या फिर दुबई अगर आपका कोई ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट है फ्रेंड वगैरह फैमिली है तो, एंड यू कैन सेव 10 to 15,000 ईजी। मैंने जब अपना iPhone 11 मंगवाया था 256 GB आई सेव 15,000 रुपीज। और गाइज अभी योगी आया घर ठीक है, अभी हमारी बिजनेस मीटिंग हो रही है यहाँ पे ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप पे एवरी वीक, और मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा, बट एवरी वीक वी आर हैविंग न्यू लॉन्चेज, नए प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो YouTube वीडियो में हफ्ते में दो बार डालता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है कम्युनिकेट करना कि भाई अभी ये लॉन्च है, अभी ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, तो इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड ठीक है कि कब क्या हो रहा है तो भाई Instagram पे नेक्स्ट स्टेप का पेज फॉलो कर लेना, बट भाई योगी और मैं नेक्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट्स के लिए भाई मतलब एफर्ट चल रहा है फुल, आप जो Instagram पेज पे जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि भाई नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो अभी योगी पूरा प्लान आउट कर रहे हैं कि भाई लड़कियों के लिए क्या नई लेगिंग्स या स्पोर्ट्स ब्राज निकाले जाए ठीक है योगी, और हंसकिरा भाई हंसकिरा ठीक है, फुल प्लानिंग चल रही है लड़कियों का, ऑब्वियसली हमने एक महीने पहले लॉन्च भी किया था, बहुत सक्सेसफुल लॉन्च रहा, लेगिंग्स मस्त भाई, काफ़ी सारे साइजेस सोल्ड आउट हो चुके हैं, बट अभी हम और प्लान आउट कर रहे हैं कि आगे क्या क्या चीज़ आने वाली है, सो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट भाई, नेक्स्ट स्टेप बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और भाई मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, और दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, यू हैव माई वर्ड। गाइज मैं वीडियो एडिट करने लगा हूँ और 26 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, एंड दैट्स टू मच भाई, तो ऑब्वियसली आई एम गोना कट इट डाउन थोड़ा सा छोटा, बट ऑल इन ऑल दिस व्लॉग मुझे तो एडिट करने में बहुत इन्जॉयबल लगा, एंड आई होप आप लोगों को भी नेक्स्ट लेवल मज़ा आया होगा, तो फटाफट से लाइक शेयर एंड कुछ ना कुछ कॉमेंट कर देना भाई, कॉमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, दिस इज मोहित बेस्ट।